एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास एंड आई एम डॉक्टर शालिनी हियर। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में इनका जिक्र मिलता है और आर्टिकल 36 से 51 तक, तो आज इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट 4 में डीपीएसपी दिए गए हैं, इसके बाद 36 से 51 तक इनका जिक्र हमें मिलता है। देन कहाँ से हमने इनको बोरो किया है, तो हमने आयरलैंड से इनको लिया है, ठीक है। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं। इसके बाद डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब डीपीएसपी को संविधान में शामिल किया गया, तब ये कहा गया था कि राज्य जो है उसका ये कर्तव्य होगा, उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो एक वेलफेयर स्टेट यानी कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो उद्देश्य है वो है एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी बात करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम डीपीएसपी में जो भी आर्टिकल्स हैं 36 से 51 तक, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 36, जो कि राज्य की परिभाषा बताता है। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन बताता है, उसी तरह से डीपीएसपी में आर्टिकल 36 जो है वो राज्य की परिभाषा यानी स्टेट की डेफिनेशन बताता है। तो इसमें वही चीज़ें शामिल की गई हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स में शामिल की गई थी, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या शामिल हम कर सकते हैं स्टेट में, तो पहली बात तो ये कि जब स्टेट की बात होती है तो यहाँ ये दो आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36। इनके अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं भी स्टेट का जिक्र मिलता है तो दूसरे संदर्भ में मिलता है, वहाँ स्टेट की डेफिनेशन नहीं है, ओके। तो यहाँ स्टेट में क्या क्या शामिल है, स्टेट में शामिल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड इसके साथ ही लोकल अथॉरिटीज, ओके। इसके अलावा एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं अदर अथॉरिटीज, ओके, अदर अथॉरिटीज। अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, ये तो क्लियर ही है कि सेंटर में क्या आता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, वो दोनों तो क्लियर है। लोकल अथॉरिटीज भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद, क्लियर है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ में आएंगे। इसके साथ ही जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है ना, उसमें जो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि जिला बोर्ड है, ठीक है, पंचायती राज हैं, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं, ये सभी लोकल अथॉरिटीज़ में आते हैं। इसके अलावा अदर अथॉरिटीज़ में क्या आता है, अदर अथॉरिटीज़, ये शब्द क्लियर नहीं था शुरू से ही। इसमें ये कहा गया था कि भाई वो सारी इंस्टीट्यूशंस, वो सारी व्यक्ति इसमें शामिल होंगे जिनको कि गवर्नमेंट कुछ पावर्स डेलीगेट करती है, जिनको कि विधि बनाने की, उपनियम बनाने की या फिर कोई भी अधिनियम बनाने की पावर्स जिनको दी गई होती है, तो ये सारी जो अथॉरिटीज़ होंगी वो अदर अथॉरिटीज़ होंगी। लेकिन फिर भी ये क्लैरिफाई नहीं किया गया था। टाइम टू टाइम जब केसेस आते रहे सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद धीरे धीरे इसको क्लियर किया गया। अब जाकर ये काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अब इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें ONGC शामिल है, इसको यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं। इसमें क्या शामिल है, इसमें शामिल है LIC, ONGC, ठीक है, और इसके साथ ही आप इसमें और भी सारे जो बैंक्स हैं, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। जितने भी वेलफेयर स्टेट का काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो सभी इसमें शामिल होंगे जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 37 की। तो आर्टिकल 37 ये कहता है कि जितने भी जो डीपीएसपी हैं वो सभी हमारे भारतीय संविधान में मूलभूत हैं, लेकिन
बात यहाँ ये होती है कि ये राज्य की ड्यूटी है कि वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, लेकिन डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं है स्टेट पर। ठीक है, जैसे सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं उनको मानना हमारी ड्यूटी है, हमारे लिए वो बाध्यकारी नहीं है, उनको अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर स्टेट अपने किसी भी डीपीएसपी का पालन नहीं करता है, उसको नहीं मानता है, तो वो उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, उसके अगेंस्ट हम रिट दायर नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है मतलब कि हम उसको कोर्ट में लेकर उस नहीं जा सकते, हम उसके अगेंस्ट कोई भी रिट दायर नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स ये वाद योग्य नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो वाद योग्य होते हैं। अगर उनका हनन होता है, अगर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है, तो फिर हम उसके अगेंस्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। ओके, नाउ इट इज क्लियर। सो आर्टिकल 38 की बात करते हैं। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य के द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। जन कल्याण के लिए काम करेंगे स्टेट्स और जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनको बरकरार रखेंगे। देन आर्टिकल 39 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत जो इसके अंतर्गत आते हैं। देन आर्टिकल 39 ए कहता है समान न्याय एवं निशुल्क कानूनी सहायता। अब ये जितने भी ए बी सी डी ये सब लगे हुए हैं ना आर्टिकल्स के बाद में, ये सभी बाद में ऐड किए गए हैं जो हम लोग आगे अभी बात करेंगे। ओके, तो हम स्टेट बात करता है, स्टेट का ये ड्यूटी है कि वो सभी लोगों को समान न्याय प्रदान करेंगे और निशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। वो ग्राम पंचायतों का गठन जैसा कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, तो इसको तो क्रियान्वित किया है स्टेट ने, और काफ़ी सारे जो डीपीएसपी हैं उनको स्टेट ने क्रियान्वित किया है, उसको हम लोग आगे बात करेंगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कहता है कि काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता। इसके बाद आर्टिकल 42 कहता है यहाँ कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं का प्रावधान होना चाहिए, इसके साथ ही मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। इसमें जैसे कि मैटरनिटी लीव वगैरह जो मिलती है लेडीज को, वो इसी के अंतर्गत आती है। देन आर्टिकल 43 कहता है कि कर्मचारियों को निर्वाह वेतन मिलना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो उसकी मजदूरी है वो डिसाइड होनी चाहिए। 43 ए ये भी बाद में जोड़ा गया था, ये कहता है उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। ठीक है, और 43 बी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की बात करता है। ओके, इसके बाद है आर्टिकल 44 जो समान नागरिक संहिता की बात करता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा कि समान नागरिक संहिता क्या है। समान नागरिक संहिता वो है जो पूरे देश में इक्वली लागू हो, सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून हो, जितने भी सिटीजन्स हैं पूरे भारत देश में सभी के लिए एक जैसी नागरिक संहिता, एक जैसा कानून हो। तो ये कहीं भी किसी भी स्टेट में इसको लागू नहीं किया गया है, सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। तो बात करते हैं आर्टिकल 45 की। आर्टिकल 45 कहता है कि बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की बात करता है जो कि स्टेट प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी एसटी में जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। देन आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने, जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार अपने प्राथमिक कर्तव्य को पूरा करेगी। देन आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात करता है। आर्टिकल 48 जो कि बाद में जोड़ा गया था कहता है कि पर्यावरण संरक्षण करेगा स्टेट, इसका संवर्धन करेगा, वन और वन्य जीवों की
सुरक्षा भी करेगा। देन आर्टिकल 49 कहता है कि स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण स्टेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 50 बात करता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका इनको अलग रखा जाएगा, यानी कि जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष रूप से अपने कार्य कर पाएगी और कार्यपालिका उसके कामों में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो यहाँ पर इन दोनों के अलगाव की बात की गई है। इसके बाद आर्टिकल 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की। ठीक है, इसके तहत बहुत सारी जो फॉरेन पॉलिसी हम लोग देखते हैं उसमें बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की वो इसके तहत आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 4 से बाहर भी कुछ नीति निदेशक तत्व तो हैं, वो कौन से हैं। तो सबसे पहले एससी एसटी के लिए कुछ दावे किए गए हैं, उनके हितों के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएंगी, तो इसके बारे में जिक्र मिलता है भाग 16 में और आर्टिकल 325 में। इसके बाद मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, जैसा कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें भी यही बात कही गई थी कि जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में उनकी शिक्षा प्रोवाइड की जाए। तो ये डीपीएसपी का ही एक रूप है, भाग 17 अनुच्छेद 350। देन हिंदी भाषा का विकास, तो ये भाग 17 अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा का विकास किया जाएगा और उसके डेवलपमेंट के लिए अदर जो एक्टिविटीज़ हैं काम हैं वो किए जाएंगे, पॉलिसीज बनाई जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देन नीति निदेशक तत्वों को तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये जो समिति थी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तेज बहादुर सप्रू समिति, इनका उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। यह वाद योग्य नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें हम कोर्ट्स में लेकर नहीं जा सकते, इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है, इसको क्लियर करते हैं, सकारात्मक होती है डीपीएसपी और नकारात्मक होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट के अगेंस्ट कोर्ट में जाया जा सकता है अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वो उल्लंघन करते हैं। ठीक है, या नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छीनते हैं, उनका अल्पीकरण करते हैं। तो इसके बाद जो डीपीएसपी है वो सकारात्मक है क्योंकि वो स्टेट के फेवर में है। ठीक है, उनके अगेंस्ट हम कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो सकारात्मक है। ओके, अब बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट की, जो कि 1976 में हुआ था और इसमें कुछ नीति निदेशक तत्वों को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। तो वो कौन से थे, पहला था यहाँ पर निशुल्क कानूनी सहायता, जो कि आर्टिकल 39 में जोड़ा गया, 39A के रूप में। ठीक है, इसके तहत जो भी कानूनी सहायता होगी वो निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और दूसरा जो डीपीएसपी था वो ये था कि श्रमिकों की भागीदारी, यानी उद्योगों के प्रबंध में कामगारों के लिए कदम उठाए जाएंगे, ये 43A में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और ये थर्ड जो डीपीएसपी था ये था पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा, इसको आर्टिकल 48A के तहत जोड़ा गया है। तो ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इन तीन डीपीएसपी को जोड़ा गया था। इसके बाद 86 जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया था। ठीक है, यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके द्वारा यह जोड़ा गया कि राज्य के द्वारा 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 86 अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ थोड़ा सा, 86 अमेंडमेंट इसमें तीन बातें हुई थी। ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था, ठीक है, इसको लेकर तीन बातें हुई थी। पहला तो हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में, इसमें जोड़ा गया था आर्टिकल 21A। ओके, अब बात करते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटी की, इसमें जोड़ा गया था आर्टिकल 51A में, जो कि भाग 4 जो कि भाग 4A है, इसमें 11वां
जो फंडामेंटल राइट था, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम डीपीएसपी की। डीपीएसपी में कुछ जोड़ा नहीं गया था, लेकिन इसमें जो आर्टिकल 45 था, इसकी विषय वस्तु चेंज कर दी गई, ठीक है। और यहाँ ये कहा गया कि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम 97th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, और इसमें सहकारी समितियों को जोड़ा गया आर्टिकल 43B में। क्लियर, ओके। देन अब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, यानी कि जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं 38 से 51 तक, 36 और 37 को नहीं करेंगे। तो इन आर्टिकल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये 3 जो पार्ट्स हैं ये कौन से हैं, समाजवादी हैं, गांधीवादी हैं और उदारवादी बौद्धिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समाजवादी यानी सोशल जो प्रिंसिपल है इसके तहत आते हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47, ठीक है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये समाजवादी कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं गांधीयन, जैसे कि 40, 43, 43B, 46, 47, 48, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि जैसे आर्टिकल 47 है वो दोनों में है, सोशलिस्ट भी है गांधीयन भी है, तो कुछ जो चीज़ें होती हैं वो कॉमन होती हैं, इसलिए दोनों में ही रखा है इनको। इसके बाद है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स यानी कि उदारवादी बौद्धिक, तो इसमें आते हैं आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51, ओके। अब बात करते हैं कि जब भारत का संविधान बना तब जो भारतीय संविधान निर्माता थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम डीपीएसपी को बाध्यकारी नहीं बनाएंगे। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया, ऐसा क्या रीज़न था कि नीति निदेशक तत्वों को बाध्यकारी नहीं बनाया गया। उस वक्त जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी हमारी वो इस तरह की नहीं थी कि जितने भी डीपीएसपी जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उन सभी को पूरा किया जा सकता, ठीक है। ये कहा गया था कि ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो ये सारे डीपीएसपी जो हैं इनको फुलफिल करे, इनको इनकी स्थापना करे, ठीक है। लेकिन पर्याप्त वित्तीय संसाधन उस वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए हमने डीपीएसपी को बाध्यकारी नहीं बनाया था। तो ये रीजंस रहे थे। इसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियां भी थी कि अभी गवर्नमेंट जो थी वो उस वक्त स्टेबल नहीं थी, ठीक है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उस वक्त क्रिएट हो रही थी। सबसे पहले एक स्थापित और मजबूत लोकतंत्र को बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी उस वक्त, तो डीपीएसपी को इसलिए बाध्यकारी नहीं बनाया गया। लेकिन समय के साथ जब परिस्थितियां बदलती गईं, हमारी जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स जो सिचुएशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती गई, इसके साथ हमने धीरे धीरे अपने डीपीएसपी जो थे हमारे उसको स्टेट ने फुलफिल करना शुरू कर दिया, और काफ़ी जो डीपीएसपी हैं उनको क्रियान्वित किया जा चुका है। जो इसको हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।